और इसी के साथ अब मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी चीफ गेस्ट श्री अनिलेश महाजन जी सर को कि वो आए और हमारे छात्र छात्राओं को मोटिवेशन दें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। हरिओम, नमस्कार। प्रकाश भाई, आपने काफी अच्छा अपना वक्तव्य दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिरीष भाई, प्रदीप भाई, मुझे बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद। और जिन छात्रगणों को आज डिग्री मिली है और मेरे प्रोफेशन में, उनका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि मुझे आज से 2-3 साल के बाद जब भी आप मिलें तो मुझे आपके किए हुए कृत्यों के कारण गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि आप इस प्रोफेशन में आए और उस प्रोफेशन का एक अच्छा आपने उदाहरण पेश किया। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, आज प्रकाश भाई ने काफी अच्छी चीजें बताई हैं हम सबको, हम उसको ग्रहण करेंगे। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, मैंने अपने 20 साल के करियर में देश के अलग अलग जगहों में काम करके, जम्मू कश्मीर में मैंने काम किया जब मिलिटेंसी वहां एकदम पीक पर थी, पंजाब में काम किया जब मिलिटेंसी वहां पर ढल चुकी थी, और मैंने वहां पर देखा कि किस तरीके से मिलिटेंसी के हैंगओवर्स होते हैं। उसके बाद मैं दिल्ली आया, मैंने इकोनॉमी के ऊपर लिखना शुरू किया और बाद में मुझे पॉलिटिक्स के ऊपर लिखने का दायित्व मिला और पिछले 6-7 साल से मैं ये दायित्व निभा रहा हूं। तो उसमें मेरे दिमाग में कई प्रश्न जो हैं वो पैदा हुए हैं पिछले 20 साल में, और उसका मैं हमेशा जवाब ढूंढता रहता हूं। और उन्हीं जवाबों को आज जब मैं आप लोगों को ये ओथ पढ़ा रहा था तो उनके जवाब और सवाल मेरे आगे फिर से खड़े हो गए। जब अब हम बात करते हैं कि मैं ओथ लेता हूं, मैं ये आज कसम उठाता हूं, प्रण लेता हूं कि मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, तो वो ड्यूटी है क्या? तो वो ड्यूटी हम सब की है सवाल उठाना, सवाल करना। और जो भी, मतलब आप में से कई लोग पॉलिटिक्स कवर करेंगे, कई लोग मिलिटेंसी कवर करेंगे, कई लोग आर्थिक क्षेत्र में कवर करेंगे, तो जो सत्ताधीश है, जो इसके पास पावर है, उससे सवाल करना, उससे सवालों के जवाब की अपेक्षा करना, और ये भी अपेक्षा करना कि अगर वो सवाल के जवाब नहीं देता है तो आदरपूर्ण उस चीज को एक्सेप्ट करना और अपने सवालों को कभी दबने नहीं देना, उनके सवालों के जवाब ढूंढते रहना। दूसरा सवाल कि ये ड्यूटी मेरे नेशन की तरफ है। अब ये नेशन क्या है? मेरे जब परदादा पैदा हुए थे तो उनके लिए नेशन जो था वो खैबर पख्तूनख्वा की खाड़ी और अब इनकी जो वैली है वहां से लेकर जो बंगाल की खाड़ी है वहां तक नेशन था, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात के कच्छ तक उनका नेशन था, बलूचिस्तान उनके नेशन था। मेरे जब दादा पैदा हुए तो वो बेघर हो गए और उनको आश्रय लेना पड़ा पंजाब, जो आज का पंजाब है, अमृतसर में, और उनको 20 साल तक वहां पे रेफ्यूजी बुलाया गया। मेरे को आज भी अपने फॉर्म में कई जगह पे लिखना पड़ता है कि मैं रेफ्यूजी हूं। तो नेशन क्या है? क्या वो नेशन है जिसको अंग्रेज छोड़कर गए थे? क्या वो नेशन है जिसको मेरे पूर्वजों ने जिया? क्या वो नेशन है जिसको मैं जी रहा हूं? क्या वो नेशन है जो मेरे अंदर है, जो मेरी आदतों में है, जो मेरी स्पिरिचुअलिटी में है, जो मेरी खाने खाने की पद्धति में है? तो जब मैं इन सवालों के जवाब ढूंढता हूं तो वो मुझे जवाब मिलता है कि जो मेरा कल्चर है, तो कल्चर आज चाहे पूजा की पद्धति बदल गई हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी वही है जो तमिलनाडु में है, कि अपने मां बाप का आदर करना, अपने परिवार के साथ चलना
और समाज को, जो प्रकाश भाई बोल रहे थे कि समाज को अपना परिवार मानना, तो ये जब आप नेशन का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो इट इज नॉट अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, इट इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के प्रति मेरी ड्यूटी है कि अगर पाकिस्तान के गरीब के साथ भी अगर धक्का कर रही है वहां की सरकार तो उसके लिए आवाज उठाना मेरा फर्ज है। अगर बांग्लादेश में अकलियतों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, अगर उनके साथ भी धक्का हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना भी मेरा दायित्व है, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है, ये मान के इस नेशन के कॉन्सेप्ट को आगे चलना। और उसके बाद आता है इंटेग्रिटी एंड सिंसेरिटी, कि मैं अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है उसको, उसका दायित्व जो है निभाऊंगा। अब इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी है कि मुझे हर उस चीज के अगेंस्ट आवाज उठानी है जो मेरे देश को खोखला करती है, मेरे समाज को खोखला करती है, और जो मैंने लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बताने की कोशिश करी उसको खोखला करती है, मुझे उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है। वो गरीबी है, वो भुखमरी है, वो करप्शन है, और वो मेरे समाज को बांटने वाली हर वो ताकत है, और मैं उसके अगेंस्ट कैसे आवाज उठा सकता हूं उसके लिए मुझे हिस्ट्री समझनी जरूरी है कि मेरी कॉन्सेप्ट की, मेरे विचारों की हिस्ट्री क्या है। तो मैं आप सबसे ये इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, रेगुलरली अपने आप से सवाल करते रहिए। फिर उसके बाद जो है प्रोफेशन की बात आती है कि प्रोफेशन क्या है। तो मेरा तो प्रोफेशन है लिखना, तो मैं आपके सामने क्यों बात कर रहा हूं, तो ये मेरे प्रोफेशन की एक एक्सटेंशन है कि मैं अपने विचारों की, अपने थॉट प्रोसेस की, अपनी थिंकिंग की जो है आर्टिकुलेशन, और जो उसको मैं आप सबके सामने रखूं, तो वो मेरे प्रोफेशन का एक इंटेग्रल पार्ट है। और वो आता कहां से है? अपने आप से सवाल करने से, अपने आप के जवाब ढूंढने से, और जो प्रकाश भाई ने बोला था मित्र बनाने से, मित्रों से सवाल करने से, और किसी को अपना शत्रु नहीं मानने की जरूरत है, वो भी अपना दायित्व निभा रहे हैं, उनसे सवाल करने से, और अगर वो नहीं जवाब देते हरी इच्छा करके आगे चलने के। और मॉरल एथिक्स और हायर पेडेस्ट्रियल, मैं ये हायर पेडेस्ट्रियल जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ऑल्दो मैंने ही आपको दिलाई है। हमें किसी भी पेडेस्ट्रियल पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें अगर किसी राष्ट्र का प्रमुख हमें बुलाता है और वहां पे एक मॉरल एथिक्स और एक अलग डेकोरम की जरूरत है, हम वो भी पालना करेंगे। अगर पंक्ति का आखिरी आदमी भी बुलाता है तो हम अपने मोरालिटी को उसके हिसाब से ढाल लेंगे। हम एक बेसिक प्रिंसिपल्स को साथ लेके चलेंगे दैट कि मुझे अपनी आवाज जो है किसी भी कारण से करप्ट नहीं करनी है। दो तरीके का प्ले होता है, तीन तरीके का कह सकते हैं, मॉरल प्ले, दूसरा है पावर प्ले, और तीसरा है मनी प्ले। मैं इन तीनों प्ले से कहीं से भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा। इतने पेडेस्टल पे रह के मैं अपने प्रोफेशन की ड्यूटीज आराम से निभा सकता हूं। और जो अगला पड़ाव है, मैं उसमें आपसे सिर्फ दो या तीन चीजें कहने की चेष्टा करूंगा। एक तो मैंने पहले ही कह दिया है कि आपको सवाल और सवाल करने हैं, और इसके अलावा चाहे आप एड प्रोफेशन में जाएं, चाहे आप पीआर में जाएं, चाहे आप जर्नलिस्ट बने, आपको सवाल तो करने ही हैं। फिर आपको अपने समाज को समझना है। मुझे याद है मैं पंजाब में उस वक्त पोस्टेड था, तो आमिर खान की एक एड आई, तो प्रसून भाई जोशी ने वो एड बनाई थी, तो उसमें था कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो एक बहुत अच्छा कॉपी लाइन थी। तो उससे पहले जितनी भी कॉपी लाइन्स बन रही थी वो सब अंग्रेजी में बन रही थी, अगर आपने जो एड कर रहे हैं। अब वो एड बनाने के वक्त मेरी जब एड के लोगों से बात हुई तो वो कहते कि ये कविता जो है, कविता पाठन जो है, ये काफी किया जाता है ओगिल्वी एंड मैथर्स में, जब ये और मकैन एरिक्सन में,
ये दोनों एमएनसीज हैं और हिंदी की कविताएं का पाठन का उनका हर महीने का कार्यक्रम है। तो अगर आप एक कविता पढ़ेंगे तो दस, एक कविता सुनाएंगे तो दस पढ़ेंगे भी, तो उससे उन लोगों को जो है समाज की समझ जो है उनकी डेवलप हुई है। और आप अपने भी घरों में देखेंगे कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको हम सीधा ये बोलते हैं इनको ठंडा पिलाइए। तो उन्होंने उसके साथ कोका कोला जो एक विदेशी पेय था उसको हमारे समाज के साथ जोड़ दिया और वो आज तक जुड़ा हुआ है। आज भी पेप्सी जो है हम लोगों को एक एफर्ट करना पड़ता है कि हम पेप्सी मांगे, हम कोक की तरफ फिर भी जाते हैं। ऑल्दो अब और भी पेय आ गए हैं, उन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली है और डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में, पर हमारी वोकैबुलरी में और हमारे थॉट प्रोसेस में कोक फिर भी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, पर ये उनकी ब्रांड क्वालिटी है, वो उन्होंने हमारे समाज को समझ के किया है। दूसरी एग्जांपल मैं स्टार ग्रुप की देता हूँ। जब स्टार आया था तब वो अंग्रेजी माध्यम का एक चैनल था, उसके बाद उसने हमारे समाज को समझा कि यहाँ पे हम अंग्रेजी सामान बेच के एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने पहली बार दुनिया में कहीं पे अंग्रेजी जुबान छोड़कर दूसरी जुबान में प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी। इवन कि उनके जो प्रीमियम म्यूजिक चैनल है MTV, उसमें भी हिंदी गाने बजाए, अपनी हिंदी प्रोग्रामिंग करी। और आज हमें लगता ही नहीं है कि स्टार जो है एक विदेशी कंपनी है, वो हमें एक इंडियन कंपनी की तरह लगता है। तो उन्होंने नेशन को समझने की कोशिश करी और उस कॉन्सेप्ट को समझकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया। आज स्टार वही प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में भी बेचता है, बांग्लादेश में भी बेचता है और दुनिया भर में जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसको बेचता है। तो एक स्टार इंडिया जो है एक अलग एंटिटी बन चुकी है, स्टार का जो ग्लोबल नेटवर्क है उसमें। तो मैं सिर्फ ये छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझिए कि समाज को समझना और समाज और नेशन को समझना कितना जरूरी है, चाहे आप काम अहमदाबाद के एक छोटे से कस्बे में किसी में करें, चाहे आप ग्लोबल सर्किट में करें। अपने समाज को जितना आप समझेंगे उतना आप जो है बेहतर तरीके से अपने इस नए प्रोफेशन का निर्वहन कर सकेंगे। दूसरी चीज मैं जो आपको कहना चाहता हूं, जो स्पेशली जो जर्नलिस्ट बन रहे हैं, आप हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स का अध्ययन भी करिए, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं होती है जो जिसके पीछे इकोनॉमिक आधार नहीं होते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तब भी इकोनॉमी को समझना जरूरी है, इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है। एक कॉमन कंप्लेंट रहती है जितने भी लोगों को मैं रिक्रूट करता हूं कि वो किसी भी कंपनी की ना बैलेंस शीट नहीं पढ़ पाते हैं, और वो बहुत जरूरी है। इवन इफ आपको मतलब इकोनॉमिक रिपोर्टिंग नहीं करनी है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करनी है, तो कंपनी की बैलेंस शीट आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि राजनेता अपना पैसा कहां पे घुमाते हैं। आपको समझ आएगी कि ये पैसा कैसे हमारे विचारों को बदलता है, पैसे का फ्लो हमारे कैसे हमारे कार्यशैली को बदलता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या परिस्थिति है और आपको कितनी देर वहां नौकरी करनी है, ये भी समझ आ जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इकोनॉमी, चाहे आप साइंस रिपोर्टिंग करें, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करें, किसी भी चीज की रिपोर्टिंग करें, पॉलिटिकल करें, आपको इकोनॉमिक्स और बैलेंस शीट पढ़नी जो है आनी चाहिए। ये पता नहीं आपने अपने कोर्स में रखी है कि नहीं रखी है, बट जर्नलिस्ट जो है ये सारी उम्र पढ़ता है। एक लौता प्रोफेशन है जिसको मैं मजाक में बोलता हूँ कि हम अगर किसी भी विषय में फेल हो जाते हैं तो जर्नलिस्ट बनते हैं, और हमें रिवर्स में पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर हम पहले पढ़े होते हैं तो शायद जर्नलिस्ट नहीं बनते, तो अब नहीं पढ़े हैं जर्नलिस्ट बन गए हैं। तो आगे अगर हमें सफल रहना है तो पढ़ना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो मेरी अग्रवाल जी से रास्ते में भी बात हो रही थी, हमारी हिस्ट्री पिछले 300 साल से बहुत अजीब तरीके से हम लोगों को पढ़ाई जा रही है, दिखाई जा रही है, और मैं बहुत भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आप में से कम दो या तीन लोग ऐसे निकले जो ऐसी हिस्ट्री लिखें जिनको मेरे आने वाली जनरेशन जो है वो कोट करें,
और जो हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ हो रखी है उसमें से कुछ अपनी आहुति देकर उसको चेंज करें, चाहे आप पीआर में जाएं, चाहे आप एड वर्ल्ड में जाएं, चाहे आप जर्नलिज्म करें। पढ़ने और लिखने से अपना नाता कभी मत टूटने दीजिएगा, ये आपको हमेशा रास्ता भी दिखाएगा, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस जो है और लॉजिक्स जो है इसमें आपको हेल्प करता रहेगा। पर मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़िए और अच्छा पढ़िए, और अपने आसपास के लोगों को भी रिकमेंड करिए कि मैंने आज ये पढ़ा है और ये मेरा टेकअवे है, और मुझे तुम बताना कि भैया तुम्हारा क्या टेकअवे है। इससे ही मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आई मेड सेंस, आई होप आप लोगों को कुछ टेकअवे मिलेंगे अपने प्रोफेशन के लिए। अगर आपको इसके बाद भी मेरे से संपर्क रखना है तो मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हूँ, मेरा हैंडल है @anileshmahajan। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं anileshmahajan@gmail.com से। मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली इन दो प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं आप सबका हृदय से अपने प्रोफेशन में स्वागत करता हूँ। और मैं ये श्री प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कलम को और ताकत दे, आपके हाथों को और ताकत दे, आपके दिलो दिमाग को और शक्ति दे। और ये जो गुजरात की भूमि है जिसने सरदार पटेल, अभी मुझे स्मृति चिन्ह दिया गया है और मेरा इनसे एक पारिवारिक रिश्ता भी है। मेरे जो परदादा थे वो पटेल साहब के साथ काम करते थे और उनका काफ़ी योगदान है जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और उनको बाद में पटेल जी ने राजस्थान को इकट्ठा करने के लिए लगाया था कि राजवाड़ा शाही है उसको किस तरीके से किया जाए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पटेल जी का स्मृति चिन्ह मिला है। और गुजरात मेरे स्पिरिचुअल गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती की भी भूमि है। मैं आप सबका धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसी पावन भूमि में बुलाया और मैं आया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ।